भारी बरसात के कारण तबाह हुए सौरभ बनबिहार के दौरे पर पहुंची केंद्र की एक टीम ने नुकसान का जायजा लिया। इस मौके पर प्रशासन तथा संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें, भारी बरसात के कारण न्यूगलखड ने अपना बहाव बदल दिया था, जिस कारण से पूरा सौरभ बनबिहार तहस नहस हो गया था। आज उसी कड़ी में केंद्र की एक टीम ने पालमपुर के सौरभ बनबिहार का जायजा लिया। सेंटीमेंट जुड़ जाते हैं, पब्लिक के सेंटीमेंट जुड़ जाते हैं, आर्मी से लोग हैं या उनके सेंटीमेंट जुड़ जाते हैं, तो हम नहीं चाहेंगे ना कि अब कोई चीज़ यहाँ बने भी तो उसकी फ्यूचर में भी वही फेट हो, तो उसको सोच के थोड़ा स्टेट कर ले सोच विचार। सेंटर से टीम आई थी जिसमें तीन मेंबर्स थे और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन साथ था उनके, तो उन्होंने हमारा और आईपीएच का जो नुकसान हुआ है न्यूगलखड से उसको निरीक्षण किया, और साथ ही हमने जो जो नुकसान हमारा हुआ था उसकी रिपोर्ट जो है उनको सौंप दी है, और आगे का जो भी निर्णय लेना होगा उन्होंने वो रिपोर्ट जो है वो सेंटर को सबमिट करके तो वहीं से पता लगेगा कि क्या क्या रिपोर्ट दी उन्होंने और क्या करने जा करेंगे। सर, अब विभागीय स्तर पर अभी क्या कार्य किया जा रहा है? विभागीय स्तर पर तो हमारे जैसे जो प्रायोरिटी के काम थे, जैसे उसका रास्ता है और जो गाद गुद हमारे बिल्डिंग्स के अंदर भरी हुई थी और टॉयलेट्स के अंदर थी, रास्तों में थी, उसको साफ किया है, और आजकल हमने जो झील है उसको खाली करने का कार्य शुरू किया। तो सर, कितना नुकसान हुआ था इसमें? लगभग 2 करोड़ 2 लाख रुपए का नुकसान हमने रिपोर्ट किया है एडमिनिस्ट्रेशन को और सरकार को। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए पालमपुर से कविता मिन्हास की रिपोर्ट।